खबर नीमच से। नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार की पहल रंग लाई। कोरोना वायरस के चलते प्रशासन द्वारा भादवा माता मंदिर को रविवार के दिन बंद रखने के आदेश जारी किए गए थे, जिसको लेकर आज नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार द्वारा पहल की गई कि अब प्रति रविवार से मंदिर खुला रहेगा। नीमच न्यूज प्लस 24 न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। अपने अपने आराध्य देव के स्थान पर जाता है और वहाँ मत्था टेकता है और आत्मबल प्राप्त करता है। तो हम देखते हैं वैष्णो देवी तो जम्मू कश्मीर में विराजमान है, माँ ममतामयी माँ, करुणामयी माँ, दयामयी माँ, भादवा माता हमारे नीमच जिले में विराजमान है और यहाँ देश के कोने कोने से लोग आते हैं। नवरात्रि के समय भी लॉकडाउन की वजह से बंद रहा और पूरे देश में भी बंद रहे। देश के प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को बचाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने 7.5-8 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता को बचाने के लिए लोगों को कहा था कि लॉकडाउन में कहीं भी घर से बाहर ना निकलें, धार्मिक स्थानों पर ना जाएं और अपने आप को कोरोना जैसे संक्रमण से बचाएं। और लोगों ने पालन भी किया, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के जनता कर्फ्यू का पालन किया, कोविड के लिए जो जो नियम बनाए थे उन नियमों का पालन किया। मगर अभी देखते हैं कि सारा व्यापार व्यवसाय सारा खुला है और लोग कोविड में जीना सीखे हैं, अपना परिवार पालना, अपने काम धंधा करना। तो लोगों का एक विश्वास है कि माँ भादवा माता का मंदिर जो रविवार को बंद था वो खुले। और कई श्रद्धालु मेरे पास भी आए थे, वहाँ की समिति के लोग भी आए थे। मैंने जिलाधीश जितेंद्र सिंह जी राजे जी से बात की, SDM से बात की और हमने ये कहा कि इसको रविवार के दिन खोला जाए, क्योंकि रविवार के दिन मान्यता है कि माँ के मंदिर में लोग जाते हैं और रविवार के दिन अभी प्रशासन से बात करके हमने खुलवाया है। और सभी से दर्शकों से यही अपील करूँगा कि अभी कोरोना गया नहीं है, वो 2 गज की दूरी रखे, मुंह पर मास्क लगाए और मंदिर परिसर में जो अब कोरोना के लिए जो नियम बने हैं उनका पालन करते हुए दर्शन करें और अपने माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें और समृद्ध रहे। हम निश्चित ही आत्मबल के साथ लगे हैं कि हम एक न एक दिन कोरोना पे विजयश्री प्राप्त करेंगे और वापस हमारा जीवन सामान्य तरह से लौटेगा। और हम यही चाहते हैं दिवाली जैसा पावन पर्व आ रहा है, लोग लक्ष्मी जी की घरों में पूजा करेंगे। लोगों से यही अपील करूंगा कि शुभ लक्ष्मी लोगों के घर में पधारे और अच्छा बरकत दे। और जो लोग कहीं ना कहीं रोजगार से पिछड़े हैं, जो बेरोजगार हैं कई लोग, उनसे भी ये रहूँगा कि माँ की आराधना करने से हमें शक्ति मिलती है और हम कहीं नर्वस ना हो। अभी 1 साल हारे हैं, हम 6 महीने हारे हैं, जीवन थोड़ी हारे हैं, हम जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे और निश्चित ही हर व्यक्ति को सफलता मिलेगी, लक्ष्मी जी उनके घर में पधारेगी, सुख समृद्धि और वो वैभव प्राप्त करेंगे। मैं पुनः दीपावली के पावन अवसर पर सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और सबसे यही निवेदन करूँगा कि कोरोना का ध्यान रखते हुए माँ के दरबार में जाए, दर्शन करें और हम देखते हैं माँ भादवा माता की बहुत बड़ी महिमा है। जो लोग कंधे पर बैठकर माँ के दरबार में जाते हैं वो माँ की कृपा से पैदल घर चलकर जाते हैं, तो ये एक करिश्मा है वहाँ के पानी में, समझ लो वहाँ का पानी अमृत हो या माँ का है कुछ ऐसा आशीर्वाद हो। मैंने तो कई किस्से सुने हैं पुराने लोगों से कि माँ के दरबार में 9 दिन कोई उस प्रांगण में रहता है तो कोई बच्ची बनकर आती है, कभी कबूतर बकरा बनकर मुर्गा बनकर जब ऊपर घूमते हैं तो वो स्वस्थ हो जाते हैं लकवे से। तो मैं तो यही प्रार्थना करूँगा लकवे माँ की हम सबके ऊपर दया बनी रहे। पुनः खबर पर है न्यूज प्लस 24 की पैनी नजर। क्षेत्र की सबसे बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका क्षेत्रीय न्यूज चैनल न्यूज प्लस 24। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 24 के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन पर जाएं और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज प्लस 24 को और पाइए सबसे पहले क्षेत्र की सबसे नई रोचक खबरें। YouTube चैनल के साथ ही आप TV चैनल पर भी ले सकते हैं क्षेत्रीय खबरों की जानकारी। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता रहा है न्यूज प्लस 24। आगे भी बना रहे आपका सहयोग।
ज्यादा जानकारी के लिए करें यूट्यूब चैनल न्यूज प्लस 24 को सब्सक्राइब या RSC डिजिटल गरोड न्यूज चैनल पर देख सकते हैं प्रसारण रात 9 बजे सुबह 8 बजे व दिन में 12 बजे प्रसारित होता है समाचार बुलेटिन। साथ ही यदि आप देना चाहते हैं कोई सुझाव तो करें कमेंट बॉक्स में कमेंट। न्यूज प्लस 24 सच्चाई आप तक।